मगर आप लोग जब जाएंगे किसी भी आम जो शॉप होती है उन्हें ग्लिटर ग्लू दें, लैश ग्लू नहीं, ग्लिटर ग्लू नेक्स्ट की भी मिलती है, बट कोई आम 300, 400, 500 वाली कोई भी ग्लिटर ग्लू ब्रश का, इस तरह का ब्रश लेना है उसकी बैक साइड ले लें आप, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी इस तरह के ब्रश से ग्लिटर नहीं लगाते हैं, पूरी ग्लिटर ब्रश में चली जाती है, इस तरह का ले लें और ग्लिटर ग्लू आपने यहाँ पे लगानी है, ये आप देख लें, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नहीं ब्रश से ग्लिटर नहीं लगाना, यहाँ तक नजर आ रहे हैं, हाँ और मैं बहुत अंदर भी नहीं लगा रही और बहुत नीचे भी नहीं लगा रही, ऑल राइट, और वेट लॉस के बारे में एंड में बता दूंगी, हाँ ना, जो बचपन से वेट लॉस कर रहे हैं वो हमारे से टिप्स ले रहे हैं, हमें तो अपनी टिप्स कभी नहीं दी, हाँ उसी से लगा लिया, क्योंकि अगर मैं ब्रश से लगाती और ये मैंने साथ साथ रखा हुआ है, यू नो वी नीड इट, हमेशा आपने ब्रश को भी क्लीन रखना है और टॉवल आपके हाथ में होना चाहिए इफ़ यू आर मेकअप आर्टिस्ट, एंड इफ़ यू आर नॉट मेकअप आर्टिस्ट तो भी, टिशू मुझे देने प्लीज़ प्लीज़, वाइप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं ब्रश क्लीनर मिलता है, बट वी नीड ड्राई थिंग ना, बिकॉज वी नीड टू क्लीन इट, तो वी डोंट नीड एनी वेट थिंग राइट नाउ यहाँ तक, अच्छा अभी बहुत सारे लोग वाइप्स यूज़ करते हैं, मैं भी वाइप्स लाई हुई हूँ, बट मुझे इसलिए यूज़ अभी नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं आप लोगों को कम उसमें डालना चाह रही हूँ, खर्चे में भी और मतलब हाँ उसमें, हाँ ये बच्चे मुझे, अच्छा अब मेरा ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये मैंने लाइट छोड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा, नज़र आ रहा है, इस पर मैं बिल्कुल माइक्रो सा ग्लिटर लगा रही हूँ, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे बिल्कुल माइक्रो सा ग्लिटर लगाया और यहाँ पे मैंने इस तरह लगाया, ओके अब हम एक स्वाइप इसका करेंगे जल्दी से बिकॉज लाइट जो है उसका कोई इशू आ रहा है, सो वी हैव लेस टाइम, हमें ग्लिटर्स बंद करो जल्दी ध्यान से, और मैं लाइनर जो है उसको दोबारा से ले रही हूँ, सो वी कैन नीट आवर आइज, मुस्काना दो बॉर्डर ये बंद करके, ये मैं इसकी एक और लाइन यहाँ पे लगाने लगी हूँ, यहाँ तक जिनको समझ आ गई बताएं, गुड, क्वेश्चन है किसी का, एनी क्वेश्चंस, मुझे बड़ा अजीब लगता है कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछते, हाँ हाँ जी आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करती, आपने पल्ली लगाना है, हाँ पल्ली पे खाली पल्ली तो नहीं, पल्ली के साथ ट्रांजिशन शेड लगाने हैं, उसके ऊपर हल्की सी ग्लिटर या कोई शिमरी शेड लगा लें, फिर उसके ऊपर मैं अभी बता रही हूँ, हाँ अभी बता रही हूँ, मुस्काना दो, तुम लोग की गप्पे हैं नहीं खत्म हो रही हैं, आ जा जरा, अच्छा जी ये हो गया यहाँ तक, ओके अब मैं यहाँ से लगा रही हूँ मस्कारा, दैट्स इट, क्योंकि जब हम लैशेज लगाएंगे ना तो फिर हमारी लुक आप देखें कैसे आएगी, और जिसने भरना है वो भर भी सकता है, पूरी लिड पे लगा लें, मैं तो बहुत ज़्यादा ही लगाती हूँ,
लैश क्यों गिराना है? नहीं अपने पे। अच्छा आप सुने जो आपने क्वेश्चन किया, सो हेयर इज द पैलेट। आपने सबसे पहले पर्ली यूज़ कर लिया, पर्ली यूज़ करने के बाद आपने आज ब्लू ड्रेस पहना हुआ है, मगर आपने ब्लू मेकअप नहीं करना है ऑब्वियसली, ठीक है? आपने नेचुरल न्यूड लुक करनी है। सो दिस इज द वन पैलेट यू हैव। आपका जिंदगी में एक ही पैलेट है, समझ लें, समझ लें, आपका जिंदगी में एक पैलेट है, आपके पास ये वाला पैलेट है और आपने मेकअप करना है। सो आप पहले कौन से कलर में जाएंगी? ऑब्वियसली आप ऑरेंजिश टोन के अंदर नहीं जा सकती हैं, सो यू कैन गो विद द लिटिल पिंक कलर, और यू कैन गो विद द लिटिल लाइलैक कलर, और यू कैन गो विद द पीच कलर, ठीक है? ये आप हल्का सा पहला कलर लगाएंगी, ठीक है? सेकेंड कलर आप क्या लगाएंगी, कि आप ये वाला ब्राउन कलर या ये वाला ब्राउन कलर? सेकेंड कलर लगाएंगी। लगा लिया, उस पर इसमें से कोई भी शिमरी शेड ले लें, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, ठीक है? ये चार शेड्स हैं, इनमें से कोई भी ले लें और अपनी लिड के ऊपर यहाँ यहाँ टैप कर लें। यू आर डन, मस्कारा, लाइनर, गो। ओके, सो दिस इज़ द थिंग, कि कोई भी कलर है, कुछ भी है, दो शेड्स तो आपने लगाने हैं, तीसरा शेड शाइनी सा लगा लें और उस पर मस्कारा लगाएं, लाइनर लगाएं, यू आर डन। दैट्स इट। सैड आइज बन जाती हैं, डूपी आइज बन जाती हैं, यहाँ से, क्योंकि आता नहीं है, सेट नहीं किया हुआ था ना, बेस लगा के, आई बेस लगा के पाउडर से सेट करें। अब जैसे ये कलर्स मैं लगाऊंगी तब, ठीक है? हाँ, ये देखें, अब आप अपने किसी भी ड्रेस के साथ ये कलर्स इसके ऊपर लगा लें, यू आर गुड फॉर, यू नो। कहाँ से बाहर चला जाता? हाँ, तो यहाँ से आपने, अभी मैं नीट करती हूँ ना, बताती हूँ। अच्छा, मेरे साइड के ऊपर से नज़र आ रहा है कलर वगैरह कुछ? लाइट सा आ रहा है ना, तो इस ब्रश के साथ क्लीन कर लें, वाइप के साथ भी कर सकते हैं, मगर वैसे मैं जब बेस लगाऊंगी तो वो मेरा सारा कवर हो जाएगा। अच्छा जी, नाउ टुडे वी आर यूजिंग द आर न्यू सीरम। आई विल यूज़ ओनली वन ड्रॉप, ताकि मुझे वाइप दें। मैं सिर्फ एक एक ड्रॉप यूज़ कर रही हूँ। ये सब लोग इसलिए ख़रीदें बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ गोल्ड फॉर योर स्किन, ठीक है? और इट्स द बेस्ट, इट इज़ ऑब्वियसली इट्स